है। तो इस तरफ से जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना कि ये यकदम ही कोई अंधेरी भी रहा। गुड्डा कट हो गया जी, वो मैंने उड़ाया ये वाला काला गुड्डा, हरे गुड्डे के साथ दो गुड्डे काटे हैं। तो उसके बाद फिर आगे वो डेढ़ तावा एक उड़ रहा होगा ब्लैक कलर का, उसके साथ मैंने पेचा लगा। अपना छत चेंज की है जी, छत चेंज और गुड्डा भी चेंज। ये टैडी पान गुड्डा चढ़ाया हमने, बड़ा प्यारा गुड्डा है ये। बंदे फिर इकट्ठे हो गए हमारे पास, ये चेक करेंगे गुड्डों के, थोड़ी सी मजीद कलेक्शन लेके छत पे आ गए हैं। ये भाई गुड्डा उड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ जी, ठीक है। इधर बहुत अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्त भाई? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। यार वो जो ईद के पहले दिन का व्लॉग है ना, उस पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन के पता नहीं क्या इसे कहते हैं वो लग गया, वो बाय मिस्टेक ही लग गया। मैं मतलब मुझे भी नहीं पता चला कि वो कैसे लगा, उसको डिलीट करके फिर अपलोड करता तो वो बड़ा टाइम लग जाना था। तो बस उसको मेरी मेरे चैनल पर जाके आपने ना लाजमी देखना है, तो वो कोई आगे नोटिफिकेशन देगा, आपने कंटिन्यू कर देना है मोबाइल को आपके या आपके अकाउंट को, कुछ भी नहीं होगा उस पर। एज लिमिट इन अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि एज लिमिट लग गई है उस पर, ठीक है, कि वो आई थिंक 18 प्लस पे शो होगा जाके। तो आपने उधर जाके उसको देखना है, तो कोई मसला नहीं, कंटिन्यू कर देना होगा, कुछ नहीं उसे, ठीक है ना। तो बाकी यार वेलकम एन अदर डे एंड अनदर व्लॉग। ईद गुड बाय हो गई है जी, ईद का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया है। तो बाकी अब आप सब, आज मेरे ख्याल से लास्ट छुट्टी रह गई है, ठीक है। तो कल से सब लोगों ने, बच्चों ने स्कूल चले जाना है और दूसरे बंदों ने अपने कामकाज पे चले जाना है जो कामकाज वाले हैं, ठीक है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर ही रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं रमज़ान शुरू से ही, ठीक है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन पे क्लिक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर लगे आप अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है जी। तो बाकी अभी उठे हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, नाश्ता करके फिर मिलते हैं। नाश्ते से पहले ये देखें, मेरे कल डोर लगी केमिकल ना, कल अकेला बंदा मैं हाथ चढ़ गया हूँ केमिकल के, ये कल बड़े मामला मेरे ना। इधर कुछ भी, ये देखें इधर भी लगी हुई है, कुछ भी इधर लगता है ना तो बड़ी मतलब वो साड़ सा नहीं है जिसे कहते हैं वो पड़ता है, मतलब पेन होती है इन शॉर्ट, ठीक है। तो कल तो बड़ा मज़ा आया पतंगबाजी का, आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि शाह भी आ जाएगा, अपनी पुरानी टीम वापस आ जाएगी छत पर इंशाल्लाह। तो बाकी अभी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद देन आपको मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद यार फ्री हो गए हैं, मेरे गले में थोड़ा सा मसला बन गया है, मतलब कि आवाज़ बैठी बैठी सी आपको महसूस हो रही होगी, पता नहीं वो ठंडा पानी पीने से ही हुआ है कि क्या मसला बना है, लेकिन खैर कोई नहीं, हो जाएगा ये सही, क्योंकि रमज़ान के बाद यकदम बदपरहेजी होती है, ठंडी बोतल, ठंडा पानी, सब कुछ बंदा पीता रहता है ना, तो फिर जिसकी वजह से गला थोड़ा सा ख़राब हो गया। अभी यार मैंने ना बाज़ार निकलना है, तो निकलते हैं बाज़ार, साथ पकड़ेंगे जानवरों के लिए चारा, मतलब अपने बकरों के लिए चारा, और साथ एक ना काम करना है मोबाइल मार्केट में जाना है, तो उधर चलते हैं। यार ये निकल आए हैं बाज़ार, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फुल गर्मी पड़ रही है आज ना, अंदर सोया हुआ था मेरे ख्याल से, फिर ये मैं साथ एक मशकूक सा बंदा पकड़ लाया हूँ अपने, तो गर्मी ने तो फील कर दी है, रोजे रख के भी आप बाज़ार आना अल्लाह ही देता है बंदे को, क्योंकि रोज़ा रख के भी आते रहे ना बाज़ार, तो जाके लेट जाना। आप घर जाएंगे तो पानी सबसे पहले पियेंगे, पानी दो पानी के लिए, तो रमज़ान में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी जा रहे हैं बाज़ार, एक दो काम करते हैं, बाज़ार से फ्री हो के घर आ गया हूँ। तो अभी गुड्डा उड़ाने का टाइम है, ये गुड्डा ले आए हैं दो चार छत पे, ये वो कल वाला गुड्डा है जो पट गया था, जोड़ने की कोशिश की थोड़ा सा जुड़ा, लेकिन मैंने कहा चले न्यू चढ़ाते हैं, न्यू दिन का घर,
ये एक ब्लैक कलर का गुड्डा उड़ रहा है, इसके साथ पीछा लगाएंगे, लेकिन फिर मैं आज अकेला ही हूँ, पता नहीं कितने मर मुक गए सारी। ठीक है जी, गुड्डा उड़ाते हैं, ये उड़ाएंगे, फिर उसके बाद इसको उतार के ये उड़ाएंगे। ये एक न्यू चीज़ लेके आया हूँ, टैडी पान, चेक करें, ये टैडी पान गुड्डा बड़ा प्यारा है, इसको भी उड़ा के दिखाऊंगा आपको। वो सामने गुड्डा है, तो इस तरफ से जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना, कि ये यकदम ही कोई अंधेरी वगैरह का सीन चलेगा, जो सिचुएशन है फिलहाल। ठीक है, हवा तो बड़ी अच्छी है वैसे ना, गुड्डा उड़ाने वाली हवा है, मज़े वाली हवा है। मैं ज़रा पीछा कर लूँ का गुड्डा जी, वो हमने काट दिया, तो ये मेरा गुड्डा ऊपर लग गया फुल, दोनों गुड्डे नहीं आपको नज़र आएंगे क्योंकि वो काफ़ी आगे चला गया, तो मेरा गुड्डा काफ़ी ऊपर है, तो इसीलिए नज़र नहीं आएगा आपको। अब इसको खींच के नीचे करता हूँ, उतारता हूँ, फिर काफ़ी बुलंदी पे लगा हुआ है, तो इसको उतार के नीचे करता हूँ, तो फिर उसके बाद अगर ये कोई आसपास वाला पेचा लगाता है फिर उसके साथ पेचा लगा। गुड्डा कट हो गया जी, वो अब मैंने उड़ाया ये वाला काला गुड्डा, हरे गुड्डे के साथ दो गुड्डे काटे हैं, तो उसके बाद फिर आगे वो डेढ़ तावा एक गुड्डा होगा ब्लैक कलर का, उसके साथ मैंने पेचा लगा दिया, तो मेरा कट गया। डेढ़ तावे और तावे का कोई जोड़ तो नहीं ना है, डेढ़ तावा अपना एक अलग मुकाम रखता है, उसका वेट, उसकी हर चीज़ ज़रा ज़्यादा होती है, तो फिर वो मेरा पेचा अच्छा खासा हुआ, वैसे मज़ा आया मुझे पेचा करने का। तो फिर अब मैंने ये काला छोड़ा, मैंने भी फुल डेढ़ तावा तो है नहीं, मैंने कहा चलो ये तावा काला छोड़ते हैं, ठीक है, तो बाकी अभी उड़ाते हैं इसको और देखते हैं क्या मामला करता है ये हमारे साथ। अगर कोई गुड्डा उड़ता है तो पेचा लगाते हैं आगे उसके साथ। फिर इधर भी ये गुड्डे उड़ने स्टार्ट हो गए, इधर दो डेढ़ तावे उड़ रहे हैं, एक तावा उड़ रहा है, बड़े बड़े अच्छे गुड्डे इधर भी उड़ रहे हैं। वैसे मिलते हैं फिर आपको बाद में, जरा मैं गुड्डा उड़ा। अपना छत चेंज किया जी, छत चेंज और गुड्डा भी चेंज, ये टैडी पान गुड्डा चढ़ाया हमने, बड़ा प्यारा गुड्डा है ये। बंदे फिर इकट्ठे हो गए हमारे पास, ये चेक करेंगे गुड्डों के, थोड़ी सी मजीद कलेक्शन लेके छत पे आ गए हैं, ये भाई गुड्डा उड़ा रहे हैं, तो मैं आपके सामने आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ जी। ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा गुड्डे थे इसीलिए ना मैं फिर उधर से इधर आ गया, ये चेक करें इधर गुड्डे, ये मेरे सर पे गुड्डे, मतलब बड़े गुड्डे, इधर ही गुड्डे उड़ते हैं ज़्यादा। तो मैंने फिर फैसला किया, मैंने कहा यार छत चेंज करते हैं, जाके पेचे शेचे लगाते हैं, क्योंकि उधर दो थे वो काट दिए थे, तो अब इधर आते हैं, इधर पेचा शेचा करेंगे यार, और मिलते हैं आपको बाद में। देखें जर ये काला गुड्डा उठाना ऊपर, ये हमने ये एक इधर छत से पकड़ा है, और वो नीचे वाला दिखाओ, ये वाला पहले उड़ाया था, ये नीचे आ गया। इस गुड्डे के साथ हम वो ब्लैक कलर का गुड्डा लेके आए हैं, वो सामने आ रहा होगा नज़र आपको। ठीक है जी, वो लेके आए हैं गुड्डा, तो अब इसको उड़ाया हुआ है, इसके साथ एक डेढ़ तावा गुड्डा काट दिया, तो बस आपको दिखा नहीं सके, पेचा हुआ था लेकिन दिखा नहीं सके आपको। तो बाकी वो जो ब्लैक कलर का ऊपर लगा हुआ, उसने कोशिश काफ़ी मैंने उसके साथ भी की पेचा लगाने की, लेकिन उसने नहीं लगाया पेचा। अब इसको थोड़ा सा कम करता हूँ और इस वाइट की तरफ जाता हूँ, ये हमारे पास ही उड़ रहा है, इसके साथ लगाते हैं पेचा और फिर मिलते हैं। व्यू चेक करें जी सूरज का, है कि नहीं लग्जरी व्यू। एक ऊपर वाली छत का ना ये फ़ायदा है कि बंदे को एक तो व्यू बड़े अच्छे देखने को मिलते हैं, और एक गुड्डा बड़ा सोना उड़ जाता है। ये हवा बंद होना शुरू हो गई है, ये देखें, मैं भी थक हार के बैठ गया हूँ, सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है, डोर भी खुद ही लपेटनी पड़ रही है, गुड्डा भी खुद ही उतारना पड़ रहा है। ये बच्चे हैं, इनको बस पकड़ाता नहीं हूँ मैं कि यार इनके केमिकल लगना चाहिए हाथ पे ना, क्योंकि हवा बंद भी हो रही है, यकदम तेज़ भी हो रही है। वो गुड्डा देखे हमारा क्या कर रहा है, ये डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। तो बाकी ये हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, ये आपको आगे दिखा दिया, थोड़े से गुड्डे लेके आया था छत पे, तो वो अल्लाह का शुक्र है एक भी नहीं गया। इसको उतारते हैं और फिर मिलते हैं आपको, ये गुड्डा उतार लेना, उतारने के बाद पीछा लगाना था मैंने, लेकिन ना हवा बंद हो गई, सारे गुड्डे नीचे चले गए, जिसकी वजह से पीछा नहीं लग सका। आवाज़ अच्छी खासी बैठ गई है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई गर्म सर्द हो गया, कोई ना कोई मसला बना है यार, इसको चेक करवाते हैं डॉक्टर को। तो बस बोला नहीं जा रहा, आज के व्लॉग को इधर करते हैं जी एंड, इंशाल्लाह आपको सुबह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।